ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आज हम देख रहे क्या इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी कहने का मतलब ट्रांसफार्मर में कितना इनपुट दिए हमको और हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट कितना मिल रहा है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लॉस उत्पन्न होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ठीक है ईडी ग्रेड लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, ठीक है। देखिए जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं ऑल डे एफिशिएंसी एंड ट्रांसफार्मर के बात कर रहे हैं ऑल डे एफिशिएंसी, ठीक है। पर दिए गए समय में आउटपुट के डब्ल्यूएचपी बटा दिए गए समय में इनपुट के डब्ल्यूएचपी। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट बटा इनपुट, ठीक है। क्या मतलब ये भी क्या आउटपुट है क्या इनपुट है, आउटपुट और इनपुट के रेशियो को ही क्या बोलते हैं एफिशिएंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या देख रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें क्या देख रहे हैं ऑल डे एफिशिएंसी, दिए गए समय में आउटपुट के डब्ल्यूएच में बटा दिए गए समय में इनपुट के डब्ल्यूएच में, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आउटपुट के डब्ल्यूएच में, ठीक है, में बटा इनपुट के डब्ल्यूएच में। और हमको जब क्या करना है परसेंटेज, जब एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालते हैं तो परसेंटेज में निकालने के लिए करते हैं 100 से गुणा करते हैं। अगर परसेंटेज बाहर निकालना है तो करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। इसे अगर अगर एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालना चाह रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ा आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि आउटपुट के डब्ल्यूएच बटा इनपुट के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉस, यानी ट्रांसफार्मर के द्वारा जो आउटपुट मिल रहा है और ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉस हो रहा है दोनों को आप क्या करेगा सम करेगा, क्या करेगा सम कर दिया, सम करने का मतलब जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा इनपुट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी बराबर आउटपुट के डब्ल्यूएच बटा आउटपुट प्लस लॉसेस, यानी आउटपुट प्लस लॉसेस का मतलब क्या हो गया इनपुट हो गया के डब्ल्यूएच में, ठीक है। देखिए इसको इस तरह से समझ सकते हैं, कह सकते हैं आउटपुट आउटपुट पावर बटा आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट पावर आउटपुट का मतलब यानी क्या है आउटपुट पावर बटा आउटपुट पावर, ठीक है। और क्या आता है कॉस्ट थीटा, जैसे हम पढ़ते हैं अपनी बराबर का वी आई कॉस थीटा, इसी को क्या बोलते हैं पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। और पावर फैक्टर कॉस थीटा क्या होता है इस प्रकार से आप लोग ठीक है पढ़ा कि लोग एक्टिव पावर, ठीक है, अपेरेंट पावर, ठीक है, रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो यानी क्या कॉस थीटा हो जाएगा डी बटा एच, यानी के डब्ल्यू बटा एच हो जाएगी एक्टिव, ठीक है, एक्टिव पावर बटा रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है। यानी एक्टिव पावर में हम एक्टिव पावर में हम लोग क्या लेते हैं जी आई कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है, और रिएक्टिव पावर क्या लेते हैं जी आई साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। एक्टिव पावर में हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक्टिव पावर में हम लोग क्या लेते हैं जी आई कॉस थीटा, और ये एक तरह से क्या हो गया रिएक्टिव पावर हो गया, रिएक्टिव पावर हो गया, रिएक्टिव पावर क्या हो गया वी आई साइन थीटा, और ये और क्या होता है पी ग्राफ क्या होता है वी आई फाइव सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर, ठीक है। यानी कॉस थीटा कहने का मतलब कि एक्टिव पावर बटा रिएक्टिव पावर के रेशियो को कौन क्या बोलते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा ही क्या है यानी पावर फैक्टर है, क्या है पावर फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए इस बात की आउटपुट पावर बटा आउटपुट आउटपुट पावर गुणे पावर फैक्टर, और जो भी ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है लॉस हो रहा है, लॉस क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है दो तरह का लॉस होता है आयरन लॉस और क्या होता है कॉपर लॉस। आयरन लॉस यानी कहने का मतलब ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर में जो मतलब वाइंडिंग करते हैं तो यानी कोर क्या होता है गर्म होता है, ट्रांसफार्मर के कोर में जो लॉस होता है क्या बोलेंगे आयरन लॉस बोलेंगे, और ट्रांसफार्मर के में जो वाइंडिंग होता है वाइंडिंग जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉपर लॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉपर लॉस बोलते हैं, ठीक है। यानी लॉस के स्थान पर लिखा हुआ है कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, ठीक है, और परसेंटेज में लगा के क्या गया 100 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं कि आउटपुट पावर क्या के वी ए, ठीक है, पावर ऑफ बोले वी
यानी ज्यादा वोल्टेज होने के कारण उसको हम क्या क्या ले रहे हैं, किलो में ले रहे हैं, किलो ठीक है। डीसी का होगा वोल्ट, आई आई यानी एम्पियर हो गया ठीक है, यानी के वी ए आउटपुट ठीक है, आउटपुट। अब बोले अब क्या कह रहे हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर ठीक है, बट के वी ए आउटपुट बोले कॉस थीटा प्लस हम कॉपर लॉस को शॉर्ट में लिख सकते हैं ठीक है डब्ल्यू सी, और आयरन लॉस क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू आई ठीक है, और परसेंटेज में लाने में क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देखिए आउटपुट पावर, यहां पर क्या कह रहे हैं आउटपुट पावर को क्या कह रहे हैं, यानी पावर फैक्टर, यहां पर क्या हो जाएगा पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर फैक्टर काहे की आउटपुट बट आउटपुट ठीक है, एक्स्ट्रा प्राइस में जो इनपुट का आया था लॉस मतलब जुड़ जाता है ठीक है, क्योंकि क्या है मतलब एफिशिएंसी का है मतलब होता है कि आउटपुट बटा इनपुट, तो इनपुट हमेशा क्या होता है बड़ा होता है और आउटपुट क्या होता है क्या होता है छोटा होता है ठीक है। इसीलिए एफिशिएंसी का जब भी मतलब रेशियो हम निकालिएगा तो लेस देन क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि ऊपर छोटा हो गया और नीचे का हो गया बड़ा आ गया, इसलिए जब भी इसका रेशियो निकालिएगा